कि भारतीय रिजर्व बैंक एकदम चुप है, वित्त मंत्री चुप है, निर्मला सीतारमन हमारा जो जो रक्षा मंत्री है वो बात करे, जेटली जी इसका मुंह क्यों बंद है, मोदी जी का मुंह क्यों बंद है, क्योंकि ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। बैंक नॉर्मली लोन इस तरह से या LOUs के अगेंस्ट पेमेंट इस तरह से नहीं देती जब तक कि उनके पास मार्जिन मनी या सिक्योरिटी या सिक्योरिटी नहीं हो। तो ऑब्वियसली बैंक की तरफ से कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। बैंक का जो मनी है वो तो एट स्टेक है ही है, आप जो गोइंग कंसर्न है उसको नहीं रोक सकते, उसमें फ्रॉड है नहीं है, क्या अंडरटेकिंग है, वेदर एसेट्स आर देयर टू बैक इट, ये सब आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इससे पहले आप पूरे ब्रांड को किल कर दीजिए, बिजनेस को बंद कर दीजिए, तो किसी का फायदा नहीं होने वाला इसमें। 2011 से अगर वो रेगुलर बिजनेस कर रहा है और आज तक कैच नहीं कर पाई ब्रांच, आज तक RBI नहीं कर पाई, इसका मतलब है कि भले ही 90 डेज की जगह 365 डेज का लेटर ऑफ क्रेडिट मिला है, लेकिन उसने टाइमली इनकैश किया होगा। अगर टाइमली पेमेंट नहीं करता तो आज वो तो सरकार से पहले ही पकड़ा जाता। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।